हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत दिग्गज कंपनियां काम कर रही है, काफी बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल है, चाहे हम आईसीआईसीआई की बात करें, एचडीएफसी की बात करें या फिर एसबीआई की बात करें। काफी बड़े दिग्गज प्लेयर यहाँ पर शामिल है और अच्छे खासे प्राइस मार्जिन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में बहुत ही बड़ा इन्होंने ग्रोथ हासिल किया हुआ है। लेकिन बजट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे कि भूचाल आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंश्योरेंस सेक्टर में आकर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल है ये, इंश्योरेंस स्टॉक्स टैंक 10% एज फाइनेंस मिनिस्टर डिसअपॉइंट ऑन एक्सेप्शन। तो देखिए, बजट डिक्लेयर हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट डिक्लेयर किया उसमें इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कोई खासी अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर नहीं आई और इनकी वजह से या इंश्योरेंस के जो शेयर्स है उसमें 10% तक की भयंकर गिरावट आ गई। तो न्यूज कुछ इस तरीके से है और मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। देखिए, शेयर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज प्लक अप टू 10% आफ्टर द बजट एज देयर वाज नो टैक्स एक्सेप्शन फॉर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर कोई टैक्स की कटौती नहीं की गई है, ना ही कोई राहत दी गई है। इनफैक्ट द न्यू टैक्स रेजिम टेक अवे एक्सेप्शन फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर टैक्स पेयर। तो देखिए, जो इवन यहाँ पर नई पॉलिसीज आई है वो इंश्योरेंस सेक्टर का जो बेनिफिट भी होते थे उसमें भी थोड़ा बहुत कटौती यहाँ पर होने लगी है। इसकी वजह से क्या हुआ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के जो इंश्योरेंस का जो शेयर है वो 9.72% टूट गया। एक ही दिन में 9.72% शेयर टूट गया, 461 रुपीज के ऊपर आ गया। जो शेयर ऑलमोस्ट 500 रुपए के ऊपर हुआ करता था वो सीधा एक ही दिन में 461 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगा, मतलब 40 रुपए से भी टूट गया, 40 रुपए के आसपास गिरावट इसमें देखने को मिली। उसी तरीके से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, वो उसमें भी 8.35% की भयंकर गिरावट देखने को मिली, 910 रुपए पर आ गया ये शेयर, 1000 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था। एक ही दिन में एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली, एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट। तीसरा जो शेयर है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, बहुत बड़े दिग्गज यहाँ पर गिरे हैं, वो भी 5% तक टूटा है एचडीएफसी। अब देखिए, 568 रुपीज के ऊपर आ चुका है, 600 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा दिग्गज है इंश्योरेंस सेक्टर में, दो शेयर्स काफी ज्यादा जाने माने हैं, एसबीआई लाइफ और दूसरा है आईसीआईसीआई लंबार्ड। और डेफिनेटली आपने इसका नाम भी सुना होगा, उसमें हालांकि उतनी ज्यादा नहीं लेकिन 1.26% की गिरावट जरूर देखने को मिली और शेयर अभी 1300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी 2.48% की गिरावट है, शेयर अभी 243 रुपीज पर आ चुका है। और उसके बाद एक छोटी सी कंपनी है, न्यू इंडिया अश्योर कंपनी है, वो उसमें भी 3.76% की गिरावट के साथ ये शेयर 150 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो जितने भी अगर हम कहें दिग्गज इंश्योरेंस सेक्टर के जो शेयर्स है उसमें ये भयंकर गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है। 10% तक शेयर टूटना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, निर्मला सीतारमण सेड, इफ टैक्स पेयर अडॉप्ट द न्यू टैक्स रेजिम दे विल हैव टू फॉर्ज एक्सेप्शन दैट दे अवील, दिस इज आल्सो इंक्लूड टैक्स एक्सेप्शन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरी बात, स्ट्रीट वॉज एक्सपेक्टिंग फर्दर टैक्स एक्सेप्शन फॉर द फाइनेंस इन द बजट। देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि देखो थोड़ा सा टैक्स में राहत मिलेगी, खास करके इंश्योरेंस सेक्टर में, जो इनको मिली नहीं और इनकी वजह से स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर आप देखिए, अमंग 50 स्टॉक इन निफ्टी, तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनमें से सिर्फ 9 शेयर्स ऐसे थे जो पॉजिटिव में दिखे, मतलब ग्रीन, मतलब ग्रोथ किया उन्होंने जिस दिन बजट आया था। लेकिन 40 शेयर ऐसे थे जो रेड मार्क में थे, रेड मार्क में 40 शेयर थे जो उस दिन देखने को मिले थे। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं थी, स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन जिन्होंने खरीदारी की है उनको मैं कहूंगा कि देखो, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। ये वो सेक्टर है कि हर बार लोग
कम से कम इंश्योरेंस वाले जो सेक्टर है उसमें तो लोग अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम जरूर पे करेंगे, क्योंकि देखिए उनको जरूरत है इन सब चीजों की। तो ये सेक्टर आने वाले दिनों में और ज्यादा ग्रो करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इसमें गिरावट आई भी है इस चीज की वजह से, तो आने वाले दिनों में ये इसको रिकवर जरूर कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। और गिरावट अगर आती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी से खरीदारी कर लो, मैं यही कहूंगा वेट करो, एटलीस्ट 1-2 दिन वेट करो, उसके बाद आप इसमें देखो कि क्या होता है, कैसा मोमेंटम इसमें आता है, उसके बाद आप खरीदारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। और अभी अभी भी कह रहा हूं, एकदम से बॉटम फिशिंग करने की इसमें बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बॉटम फिशिंग करने आप जाएंगे और होगा कि शायद शेयर और ज्यादा टूट जाए, इसको थोड़ा संभलने दीजिए, उसके बाद खरीदारी कीजिए। इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले दिनों में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें हमें गिरावट के लिए भी तैयार रहना होगा। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं और आपने खरीदारी की है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हैं तो आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लोग इसमें ना डरे और खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी भी ना करें। डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स हैं यहाँ पर, आपको अच्छे प्राइस पर जरूर मिलेंगे ये, तो जल्दबाजी ना करें, डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा हो सकता है यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आपका भी क्या कहना है, आने वाले दिनों में किस तरीके में मूव कर सकता है, उसके बारे में आप चाहे तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।